कश्मीर के हिस्से में 51 सीटें आती हैं 51, और जम्मू के हिस्से में 39 सीटें आती हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मीर शाहिद सलीम और चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस, हम वेलकम करते हैं सर का। सर, जिस तरह यहाँ केंद्र सरकार के जो टॉप लीडर्स हैं जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन हो चुकी है, अब परीक्षा का जो परिणाम है 8 तारीख को निकलना है, और अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते आ रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे और हमारा डोगरा हिंदू CM होगा, क्या आपका इस पे नज़रिया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका भी। और ये जिस तरीके से भाजपा दावे कर रही है प्राइम मिनिस्टर, CM तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस से बनना है ना, लेकिन LG तो इनके अपने हाथ में था। बिल्कुल, अगर उनको बनाना ही था तो डोगरा LG को बना लेते, यानी दे आर स्टेकिंग द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट इवन बिफोर इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। मुझे लगता है इन्होंने वजारतें तक भी तकसीम कर ली है कि किसको क्या वजीर बनाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को फतह करना चाहती है, यहाँ पे हुकूमत बनाना चाहती है, 2019 के बाद उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे तामीर और तरक्की लाएंगे जम्मू में, और अब के इलेक्शन में इनका था कि हम आपको हिंदू CM देंगे। कि कांग्रेस BJP को यहाँ पे फाइट देने में नाकाम रही है जम्मू रीजन। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हफ्ता पहले ही ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया। 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है रियासत की आबादी, वादी की आबादी 68.9 लाख है और जम्मू की आबादी 53.8 लाख है। अगर इस आबादी पर आप 90 सीटों को तकसीम करें इक्वली, तो कश्मीर के हिस्से में 51 सीटें आती हैं 51, और जम्मू के हिस्से में 39 सीटें आती हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मीर शाहिद सलीम और चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस, हम वेलकम करते हैं सर का। सर, जिस तरह यहाँ केंद्र सरकार के जो टॉप लीडर्स हैं जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे और हमारा डोगरा हिंदू CM होगा, क्या आपका इस पे नज़रिया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका भी। और ये जिस तरीके से भाजपा दावे कर रही है प्राइम मिनिस्टर से लेकर बाकी तमाम लोग, ऐसे लगता है कि सारा कुछ प्री प्लान्ड है, सारा कुछ रिग्ड है। वरना आप देखिए कि प्रधानमंत्री इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम ये कहता कि अब की बार जम्मू सेंट्रिक गवर्नमेंट बनेगी, और आज आप देखिए कि BJP के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये क्लेम कर दिया कि हमें अब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने जा रही है। और मुझे लगता है इन्होंने वजारतें तक भी तकसीम कर ली है कि किसको क्या वजीर बनाना है, तो कहीं इसमें शक गुजरता है। फिर ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, इसके नाम से जो ये क्या सब ड्रामा था, ये फिर लोगों की जो है राय दहिंदा जो लोग हैं, जो वोटरान हैं, उनसे राय पूछी गई है, और सब लोगों की मकद्दर जो है संदूकों में, बॉक्सेस में जो है EVM में बंद है, जिसका फैसला जो है 8 तारीख को होना है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये दावे शुरू किए हैं, तो इससे ये बड़ा ही यानी बड़ी खदशे की बात है। और खास बात जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को फतह करना चाहती है, यहाँ पे हुकूमत बनाना चाहती है, मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ के होम मिनिस्टर, यहाँ के जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर आते रहे, वो हमेशा ये कहते रहे, जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे तामीर और तरक्की लाएंगे जम्मू में, और अब के इलेक्शन में इनका था कि हम आपको हिंदू CM देंगे, हम आपको जम्मू का पहले कहा, फिर यहाँ तक, फिर कहा डोगरा CM, फिर हिंदू CM। यहाँ के कुछ आप देखिए गोदी पत्रकार जो है वो भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे, गोया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डेमोक्रेसी में हिंदू मुस्लिम सिख का कोई मामला नहीं होता है, जिसको मेजॉरिटी हासिल है, जिसको अक्सरियत हासिल है, जो लीडर ऑफ द हाउस बनेगा, जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो ये बनाया जा रहा है, और पहले ही इस इलेक्शन के होने से पहले जिस तरीके से इन्होंने एक पावर जो है इलेक्टोरल पावर टुवर्ड्स जम्मू टिल्ट किया है, अगर आप देखेंगे डिलिमिटेशन को किस तरीके से इन्होंने, अगर आप इन्होंने ये कह रहे हैं ना कि हमने 2011 के सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन की है, 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है रियासत की आबादी, वादी की आबादी 68.9 लाख है और जम्मू की आबादी 53.8 लाख है। अगर इस आबादी पर आप 90 सीटों को तकसीम करें इक्वली, तो कश्मीर के हिस्से में 51 सीटें आती हैं 51, और जम्मू के हिस्से में 39 सीटें आती हैं। फिर ये कैसा डिलिमिटेशन प्रोसेस? अब ये देखिए किस तरीके से बंदरबांट की है। ये कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानोमती ने कुंभा जोड़ा,
यहाँ पे कहीं पे 48,000 पर आपकी माता वैष्णो देवी जो है निशस्त बनाई गई, कहीं पे बानिहाल को जो है कहीं पे 1.25 लाख से ज्यादा लिया गया उसको, कुल आपका गूल वगैरह जोड़ के इसी तरह इन्होंने आपके पाडर का इन्होंने इस तरीके से एक मखसूस पॉपुलेशन को उठा के ये बड़ी एक जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग की है ताकि इनकी सीटें बढ़ाई जाएं। पहले तो जम्मू की सीटें अगर आबादी के हिसाब से देखे जाएं, आबादी के तनासब से जैसे मैंने कहा कि 41 सीटें बनती है और इनमें 39 या पहले 37 से खींच के इनको 43 पे लाया और 5 सीटें ये नॉमिनेट करने जा रही है। अभी ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट्स होते ही जो है ये 5 सीटों की नॉमिनेशन कर देंगे, ठीक है जी, ये अब जो है एलजी सरकार करेगी और उसके बाद ये 5 से इन्होंने अपनी गिनती स्टार्ट करनी है। उसके बाद ये आज बताया जा रहा है कि जितने भी जो पोटेंशियल आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इन्होंने राबता इस्तवार कर लिया है और राम माधव जो पिछले दस बरस से जो है आरएसएस में वापस गए थे, जो 2014 में यहाँ आए थे, उन्होंने पीडीपी की सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ मिलकर, आज फिर से उनको टास्क पे लाया गया। तरुण चुग काम पे है, रविंदर राणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है 8 अक्टूबर से पहले ही कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी मेजॉरिटी आ रही है। तो ये खतरे की घंटी है, बीजेपी क्या करने जा रही है, इलेक्शन तक का भी वेट नहीं किया जा रहा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद पीर पंचाल में चनाब वैली में इन्होंने जो जेरी मैंड्रिंग जिसको कहते हैं सीटों की है, तोड़ फोड़ की है, तो उससे सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है कि इस तरीके से पहले से आप जिस तरीके से यानी दे आर स्टेकिंग द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट इवन बिफोर इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। मीर साहब, जिस तरह 10 सालों में जहां जम्मू की एस्पिरेशंस को रोंदा जम्मू के लोगों को और आज ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे इलेक्शन स्टंट को लेकर, क्या ये 10 सालों में यहां के एसपी डीसी कमिश्नर्स इवन के एलजी भी नहीं ला सकते थे जम्मू कश्मीर से, क्या यहां पे वो एफिशिएंसी नहीं थी लोगों में? देखिए पहले जैसे उन्होंने 2019 में कहा कि अब जम्मू में तामूली तरक्की होगी, अब जो देखिए सीएम तो एक इलेक्ट बनना है ना, लेकिन एलजी तो इनके अपने हाथ में था, अगर उनको बनाना ही था तो दोगरा एलजी को बना लेते, हिंदू एलजी को बना देते, किसने इनकार किया था कि आप वहां से गाजीपुर से लाओ, ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये इस तरीके से कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को जो है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर बांटना और एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पर इन्होंने कंपेन चलाई है, इन्होंने सैकड़ों पेज अगर आप देखें कि वो जम्मू जंक्शन, अनफिल्टर्ड जम्मू, एक अकेला, सब्बे भारी, बहुत से चैनल्स हैं, उनको आप देखिएगा किस तरीके से ये बता रहे, नहीं ये तो हिंदुओं की लड़ाई है, ये हिंदू को इम्पावर किया जा रहा है। टोटल उसमें जो है वो सारे बीजेपी के स्पॉन्सर्ड चैनल्स हैं, सारे उनके पेजेस हैं, उस तरीके से जो इन्होंने एक कंपेन चलाई है, मैं तो हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मीर साहब, एनसी कांग्रेस अलायंस की अगर बात करें हम, तो कितना तजर्बेकार रहा है ये नेशनल लेवल से, इवन कि अभी जम्मू कश्मीर पे भी आप देख रहे हैं? नहीं, नेशनल लेवल में तो एनसी कहीं अलायंस में थी नहीं, क्योंकि वो बड़ा इंडिया अलायंस से लेकर एनसी अलायंस आया ना। एनसी अलायंस की जो बात है वहां पे तो एनसी शायद बेटर परफॉर्म कर रही है वहां पे, बाकी भी जो जमाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त मायूस किया है इस अलायंस को। कांग्रेस हैज फेल्ड टू डिलीवर इन जम्मू, कांग्रेस ने बड़ी रिलेक्टेंट कंपेनिंग की है और कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने जब सजेस्ट किया था राहुल गांधी को कि आप कश्मीर बार बार आना छोड़ दीजिए, आप जम्मू में फोकस कीजिए, आपको जम्मू से सीटें निकालनी है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाई। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस ऐसे अच्छे विनेबल चेहरों को सामने नहीं ले पाई, पता कांग्रेस की पता नहीं कहां से मत मारी गई है कि कांग्रेस बीजेपी को यहां पे फाइट देने में नाकाम रही है जम्मू रीजन में। और यही वजह है कि बीजेपी जो इस वक्त अपने वो एक तरह से वो मसलिंग कर रही है, वो हुकूमत बनाने की, था उसके लिए सबसे बड़ा फेलियर, अगर सबसे बड़ा को उसको जिम्मेदार है तो कांग्रेस की नाकस कारकर्दगी है, कांग्रेस यहां पे डिलीवर करने में बड़ी नाकाम रही है। सब कुछ जगहों पे कांग्रेस का होल्ड अच्छा है और जीत रहे हैं सीटें, नहीं बहुत अच्छी बात है कहीं से अगर जीतेंगे, लेकिन ऑन द होल कांग्रेस जिन सीटों पर, जिन 32 सीटों पर जो लड़ रही है, बतौर खास जम्मू सूबा में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें, मुझे नहीं 10 आएंगी 12 आएंगी मुझे नहीं मालूम
कि लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी को जो हराएगी और कांग्रेस 20 से 25 चली जाएगी, तो कांग्रेस की बड़ा एक डिजमल परफॉर्मेंस रही है। कुछ ही बड़े चेहरे यहाँ तो बताया गया, कांग्रेस के अच्छे चेहरों को भी सामने नहीं लाया गया, तो ये बड़ी अजीब बात है। और इसमें सबसे जो खास बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरीके से इन इलेक्शन रिजल्ट्स को पता नहीं मैनिपुलेट कर रही है, या उसके बाद जैसे मैंने कहा कि बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी इस वक्त, वैसे आम तौर पर जो है ना बीजेपी का लोटस ऑपरेशन जो रिजल्ट्स के बाद आया करता है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हफ्ता पहले ही ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया, यहां पहले ही आज वो कर रहे हैं, तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर अक्टूबर 8, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इसको ये कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ी खतरे की बात है, दिस इज नॉट गुड। बहुत ये थे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम, एक सोशियो पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चेयरमैन है यूनाइटेड पीस अलायंस। इन्होंने एक एनालिसिस दिया और एक सक्सेसफुल एनालिसिस दिया।